Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. So, students, in today's video, we are going to continue our math work with division. This is chapter 6 in your math book and name division. Before starting the exercise of division, we have to know about the properties of division. There are few properties of division. First is division as distribution, division as forming groups, division as repeated subtraction. So first we will read one by one these properties, then we will continue our exercise of division. Okay students, so first the property is division as distribution. Is property mein kya hota hai bachcho? Is property mein agar aapke paas jaise kuch cheeze hain, toffees maan lijiye ya fir aapke paas pen hai, ye koi bhi aapke paas ek number hai, use aapko ek matlab aapko use groups mein divide karna hai. To aap kaise karenge? Ab jaise ki maan lijiye aapke paas 12 toffees hain, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. अब आपके पास ये 12 टॉफीज हैं और आपको इन 12 टॉफीज को क्या करना है, 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो आप इन्हें कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4. अब आपको इन टॉफीज को जो है इन बॉक्सेस में इक्वली डालना है, मतलब जितनी टॉफी इस बॉक्स में आएगी उतनी ही टॉफीज जो है बाकी सारे बॉक्सेस में आनी चाहिए. तो आप क्या करेंगे, आप वन बाय वन जो है वन वन टॉफी को हर बॉक्स में डालते चले जाएंगे. जैसे आपने यहाँ से एक टॉफी ली, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ से मैंने बात कर दी, आपने कहाँ डाल दी, इस वाले में. अब आपने दूसरी टॉफी ली, इसमें डाल दी. तीसरी टॉफी ली, आपने इस बॉक्स में डाल दी. फोर्थ टॉफी ली, आपने यहाँ पर डाल दी. ठीक है, यहाँ से ऊपर से फोर्थ टॉफी रख कर दिए और फोर्थ टॉफी मैंने इन बॉक्सेस में डाल दिए. अब आपको यहाँ पे आपने वन वन टॉफी डाल दी, फिर आप दोबारा रिपीट करेंगे. आपने एक और टॉफी ली और एक इस बॉक्स में डाल दी, फिर एक और टॉफी ली इस बॉक्स में डाल दी, एक और टॉफी ली इस बॉक्स में डाल दी, एक और टॉफी ली इस वाले बॉक्स में डाल दी. ठीक है, अब ऊपर से मैंने एट फोर टॉफीज और जो है वो रफ कर दी है और टू टू टॉफीज ना आ गई है हमारे बॉक्सेस में आ गई है. अब आपने दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. एक और टॉफी ली, फर्स्ट बॉक्स में डाल दी, एक और टॉफी ली सेकंड बॉक्स में डाल दी, एक और टॉफी ली थर्ड बॉक्स में डाल दी और वन एक और टॉफी ली फोर्थ बॉक्स में डाल दी. अब आप क्या देखेंगे, जो ऊपर की टॉफीज थी वो सारी खत्म हो चुकी है और नीचे वाले बॉक्सेस में फिल हो चुकी है और एक बॉक्स में कितनी टॉफी आई है, 3 टॉफीज. और मतलब थ्री फर्स्ट बॉक्स में है, 3 ही सेकंड बॉक्स में है, 3 ही थर्ड बॉक्स में है और 3 ही फोर्थ बॉक्स में है. तो इससे क्या पता चला हमें कि हमने जो है 12 टॉफीज को 4 बॉक्सेस में इक्वली जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 3. कितना नंबर आया, 3. 4 बॉक्सेस में जब हमने 12 टॉफीज को डिवाइड किया तो एक बॉक्स में कितनी टॉफी आई, 3 आई. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी जो 12 टॉफीज थी जब आपने उनको 4 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड किया तो नंबर आया, वो डिवाइड हुई 3 टाइम्स. ठीक है, कितने बार, जो डिवाइड हमारा क्वेश्चन आया वो आया हमारा 3 टाइम्स. ठीक है, मतलब आपकी 12 टॉफीज थी वो 4 बॉक्सेस में डिवाइड हुई तो एक बॉक्स में 3 टॉफी आई. तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इस फॉर्म में लिखेंगे और बोलेंगे कैसे, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3. क्या बोलेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3. अब आपका ये क्या होता है, ये होता है आपका डिवाइडर, इसे बोलते हैं ना डिवाइडर, और ये होता है हमारा डिवाइजर. डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है. ठीक है, इसी ने डिवाइड किया था ना इसको, हमने 4 बॉक्सेस में 12 टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना. ठीक है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं डिवीजन एज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये आपका डिवाइडर हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया और ये होता है आपका क्वेश्चन.
हमारे पास मान लीजिए 12 स्टार्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. अब हमारे पास क्या है, ये 12 स्टार्स हैं, तो अब हमें क्या करना है, इन्हें इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 12 को अगर हम, ये 12 स्टार्स हैं, अगर हम इनको 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, अगर हम इन्हें 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में जो है वो कितनी टॉफीज आएंगे, सॉरी कितने स्टार्स जो है वो आएंगे। तो इसका, इसमें हमें क्या करना है, ग्रुप फॉर्म करने हैं। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉर्मिंग ग्रुप्स। अब इसमें हमें ग्रुप्स बनाने हैं। अब हमारे पास ये 12 स्टार्स है लेकिन ग्रुप में नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हमें इन्हें ग्रुप्स में बनाना है, ठीक है। या फिर हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे 12 स्टार्स हैं तो इन 12 स्टार्स में कितनी बार 4 स्टार्स आएंगे, हमें हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये 12 स्टार्स हैं तो जब हम इन्हें ग्रुप में फॉर्म करेंगे तो कितनी बार ये स्टार्स जो है 4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या बताना है कि जब हम ये 12 स्टार्स को ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ये 4 डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें 4 ग्रुप्स में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनको 4 करके डिवाइड करते जाएंगे। जैसे अब मैंने यहाँ से 4 स्टार्स ले लिए, ये मैंने 4 स्टार्स यहाँ से हटा दिए और मैं यहाँ पर इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, ये हमारा एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब 4 स्टार्स मैंने यहाँ पर ले ली तो यहाँ से खत्म हो गए, अब मुझे फिर से 4 स्टार्स लेने हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 स्टार्स ले लिए और उनको दोबारा से यहाँ पर पुट कर दिया, 1, 2, 3 and 4। अब हमारे पास कितने स्टार्स जो है वो लेफ्ट है, ओनली 4, तो मैंने यहाँ से 2 स्टार्स ले लिए और उनको दोबारा से हमें यहाँ पर दिया। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ से जो 12 स्टार्स थे वो सारे यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, तो अब हमारे कितने ग्रुप बने हैं, मैंने एक ग्रुप में 4 स्टार्स को रखा है, तो अब हमारे कितने ग्रुप्स बन गए टोटल 4 स्टार्स के, 1, 2 and 3। तो जो हमारे 12 स्टार्स थे वो हमारे 4 करके कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तो इसे हम बोलते हैं डिविजन एज फॉर्मिंग ग्रुप्स, ये सेम ऐसे ही होगा। अब हमने 12 को जब 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हमारे कितने ग्रुप्स आए, 3। ये मैंने आपको बताया, ये होता है हमारा डिवाइडर, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये बच्चों मैंने आपको ऊपर भी बताया था, और ये हमारा क्वोशेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। अब डिवीजन एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस वाली प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा आपको उसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास 24 पेंसिल्स हैं, ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास जो है वो 24 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और 24 पेंसिल्स को आपको 6 बच्चों में डिवाइड करना है, ठीक है, आपके पास 24 पेंसिल्स हैं और आपको उन्हें 6 बच्चों में डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसमें क्या करना होता है, इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें हमें सब्स्ट्रैक्शन मेथड से जो है अपना आंसर निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए अब हमें 24 में से 6 को इतनी बार डिवाइड करना है जब तक हमें लास्ट में 0 ना मिल जाए, ठीक है, जब तक हमारा लास्ट में 0 ना आ जाए। जैसे कि ये 24 है, 24 में से हमने 6 डिवाइड माइनस किया, क्या मिला हमें, यहाँ पर 4 है, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हमने यहाँ पे 1 बोरो कर लिया, ये क्या हो गया हमारा 14, और यहाँ पे बचा हमारा 1, 14 में से 6 गया, 8 बचा और 1 सेम है एज इट इज। अब हमने 18 में से फिर से 6 को माइनस कर लिया, 8 में से 6 गया, 2 बचा और 1 एज इट इज। अब हमने 12 में से, ये हमें आंसर 12 मिला, 12 में से फिर हमने 6 को माइनस कर लिया, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 12 है, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और फिर हमने 6 में से फिर 6 को माइनस कर लिया, अब 6 में से 6 था तो 0 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, हमें लास्ट में 0। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमने 24 में से 6 को कितनी बार माइनस किया। अब हमें इसमें ये बताना है कितनी बार किया, 1, 2, 3 एंड 4,
आंसर जीरो मिला। ठीक है, सब्सट्रैक्शन मेथड में यही होता है, आपको रिपीट रिपीट करते रहना पड़ता है जब तक हमें लास्ट में जीरो नहीं मिल जाता। ये हमारा डिवीजन है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड होता है, डिवीजन की प्रॉपर्टी है थर्ड ये। ठीक है, इसमें आपको रिपीटेड करते रहना होता है मेनी टाइम्स तक जब तक आंसर जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, अब जैसे कि आपने यहाँ पे इसमें 24 में से 6 को 4 टाइम माइनस किया तो हमें जीरो मिल गया और इसका आंसर क्या आया कि 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी थ्री प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट इज डिवीजन एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप्स, एंड थर्ड इज डिवीजन एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। मैंने तीनों प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले इन प्रॉपर्टीज को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे जिससे आपको ये याद रहेगी, और जो जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं वो एग्जाम्पल आप अपने प्रॉपर्टी के सामने नोट डाउन करेंगे जिससे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी में क्या मेथड था डिविजन करने का। ठीक है बच्चों, और वर्क स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट पेज पर लिखेंगे हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट। तो आज का आपका वर्क यही है, प्रॉपर्टीज को अपनी बुक में नोट डाउन करना है। एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ